प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, राइट। अभी हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेट अस, ये तो है हम लेते हैं वाई और ये हम लेते हैं एक्स और इसका हम बनाते हैं वर्ग। ठीक है, ये एक्स और वाई है। अब यहां हम और भी बनाते हैं, यहां पे लेते हैं एक्स, ये यहां से लेकर यहां तक तो एक्स और यहां से यहां तक वाई, वर्ग है तो चार मुझे बराबर होंगे। इसमें फिर यहां लगाते हैं निशान, यहां से यहां तक एक्स और इधर वाई, फिर इसमें यहां फिर लगाते हैं निशान, यहां से यहां तक एक्स और ये ऊपर वाली वाई। ठीक है, इनको बनाते हैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या होगी? जेड होगी ना, हमने ट्रायंगल लिया, ये तो आपकी लंब, ये आधार लंब और ये आपका कर्ण, तो ये जेड, इसको इससे मिला दीजिए। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में ये जेड, इसको इससे मिला दीजिए। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल, इसमें ये जेड, इसको इसके साथ भी मिला दीजिए। तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें ये कर्ण जेड। तो आपको चार ट्राइंगल दिख रहे हैं, चार राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं और चार राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये इनके कर्ण दिख रहे हैं। हम इस पूरे वर्ग की बात करें, होल वर्ग, पूरा वर्ग, इस वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा कितनी है? इस पूरे वर्ग की भुजा ये यहां से लेकर यहां तक, ये x प्लस वाई है, x y x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई, तो ये है x प्लस वाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कितना होता है एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। अब देखिए इसमें चार ट्राइंगल है, नंबर वन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, चार ट्राइंगल, चार त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र एक बटा दो गुणा आधार, आधार एक्स प्लस ऊंचाई वाई, क्योंकि ये चार त्रिभुज हैं, तो क्या हो जाएगा? चार गुणा एक बटा दो गुणा एक्स, ये गुणा x, y, ठीक है, दो से कटे दो एकम दो, दो दूनी चार, बचा क्या? दो एक्स वाई, ये चार त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये समीकरण एक थी और ये समीकरण दो है। अब देखिए इस पूरे में इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इस वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग का जो भुजा है वर्ग की, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं दोबारा से, देखिए इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल
कितना हुआ, इसका क्षेत्रफल अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल या इस बार प्लस इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 2xy। वर्ग का क्षेत्रफल यहां पर क्या था, वहां क्या था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, और यहां पर क्या आया, इसका क्षेत्रफल z स्क्वायर प्लस चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 2xy। दोनों तरफ देखिए, 2xy को ले जाएंगे तो घट जाएगी, कट जाएगी ना, घटेगी, तो बचा क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर z स्क्वायर, ये आपकी बोधायन थ्योरम बच गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू z।